दिल्ली के पेंडारी प्राथमिक विद्यालय पर उस समय हड़कंप मच गया जब उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने अपने गृह जनपद सिद्धार्थनगर के प्राथमिक विद्यालय पेंडारी का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अध्यापक जितेंद्र कुमार अनुपस्थित पाए गए, जिस पर मंत्री ने रजिस्टर में अनुपस्थित करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उस दिन का वेतन काटने और उस पर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको पता होगा कि सोनभद्र में शिक्षा मित्र के खिलाफ सरकार की छवि खराब करने के आरोप में सेवा समाप्त कर मुकदमा भी किया गया है। उसी मामले में खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट मंगाई गई, उसको भी निलंबित किया जाएगा। शिक्षा और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी अध्यापक व अधिकारी लापरवाही बरतेगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में बच्चों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं क्षेत्र में निकला था, अभी उधर से आ रहा था, स्कूल का टाइम हो गया था तो मैं विद्यालय में गया था। 9 बजे का इस समय स्कूल है, शिक्षक को स्कूल में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वहां पर केवल शिक्षा मित्र मिला अध्यापन कार्य करते हुए। जितेंद्र कुमार नाम का जो स्थायी शिक्षक है वो वहां पर नहीं दिखाई दिए। हमने स्वयं रजिस्टर में उनको अब्सेंट किया है और बेसिक शिक्षा अधिकारी को तुरंत निर्देश दिया है कि आज का वेतन भी काटें और बिना प्रार्थना पत्र दिए, बिना अवकाश लिए हुए विद्यालय से गायब रहने के लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी करें। लगातार शिकायतें नहीं बनी हैं, कहीं कहीं से शिकायतें आती हैं और जहां से शिकायतें आती हैं वहां मैं बहुत कठोर कार्रवाई करता हूं। आपने देखा है 2 दिन पहले सोनभद्र का एक प्रकरण संज्ञान में आया है और उसमें शिक्षा मित्र की सेवा समाप्त कर दी गई, उसके खिलाफ सरकार की छवि खराब करने के आरोप में FIR भी दर्ज हुआ। जिस शिक्षक को, पास के स्कूल के शिक्षक को उस दिन की जिम्मेदारी मिली थी, क्योंकि कोई स्थायी शिक्षक वहां पर नहीं था, सब अवकाश पर थे, उनको भी निलंबित कर दिया गया और खंड शिक्षा अधिकारी ने एक ही साथ दोनों स्थायी शिक्षकों को अवकाश क्यों स्वीकृत कर दिया, इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट मंगाई गई है, वो भी निलंबित किए जाएंगे। हमारे संज्ञान में जहां कहीं भी ऐसी शिकायत आती है जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति कोई लापरवाही हो, बच्चों के मध्यान्ह भोजन के प्रति कोई लापरवाही हो, उसमें मैं कठोर कार्यवाही करता हूं, क्योंकि हमारी सरकार बच्चों के प्रति किसी लापरवाही को बर्दाश्त करने के मूड में। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।